फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, ये जो वैकेंसीज निकली है एचपी एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन हमीरपुर में निकली है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एचपी एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन हमीरपुर जो इनवाइट कर रहा है, वन पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर क्लास टू की रहेगी, नॉन गेस्टर है। और ये जो वैकेंसीज है प्योरली जो एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये जो वैकेंसीज रहेगी कॉन्टैक्ट बेसिस पर रहेगी। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसके लिए मांगी है प्लस टू की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके लिए डिजायरेबल में इन्होंने मांगी हुई है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एक्स सर्विसमैन वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे उनके जो रैंक है इसके होने चाहिए। एंड एज लिमिट इन्होंने बता रखी है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 55 ईयर से बिलो होनी चाहिए। पे स्केल बता रखा है आपको, जो यहाँ पे स्केल आपका रहेगा 48,700 रहेगा, बट उसका जो आपको यहाँ पे बता रखा है 60% आपको जो है पे किया जाएगा। और लेवल 16 का उन्होंने बता रखा है। अपॉइंटमेंट कैसे होगी, जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट सिक्योरिटी इसके लिए अप्लाई करें उनका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगी, फर्स्ट उनका रिटन टेस्ट रहेगा, देन उसका प्रैक्टिकल टेस्ट एंड वाइवा वॉइस रहेगा। एप्लीकेशन को जो आपने सेंड करना है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। इसकी जो लास्ट डेट दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म को आपके सेंड करने की 16 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस बता रखा है, नेम ऑफ द सेक्रेटरी एचपी एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन हमीरपुर 17001, इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन ड्यू डेट के बाद आ रहा है, जो यहाँ पे इन्होंने डेट बता रखी है 16 अप्रैल 2024 के बाद आ रहा है, तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो भी आपके रिटन एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट डेट रहेगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार चेक करते रहे। आप इसके नीचे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एप्लीकेशन का आपका फॉर्मेट बता रखा है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की एचपी एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन हमीरपुर में जो है पोस्टिंग। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा जो भी इसके लिए अप्लाई करे, यहाँ पे उनके फादर का नेम आ जाएगा, कौन सा उनका रैंक था, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी से तो वहाँ पे उनका कौन सा रैंक था, क्या आर्मी नंबर था, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, आपकी जो सिविल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, डेट ऑफ एनरोलमेंट आप कब हुए थे वहाँ पे, आपकी रिटायरमेंट कब हुई, आप वहाँ से रिटायर्ड कब हुआ, आपकी जो लेंथ है वो कितनी थी, एंड अपॉइंटमेंट हेल्ड ड्यूरिंग जो 10 ईयर्स की आपकी जो सर्विस है उसकी, एंड यहाँ पे आपका करेक्टर मेडिकल कैटेगरी परमानेंट, यहाँ पे आपका होम एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा अगर कहीं पे आप अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आप यहाँ पे दो रख सकते हैं, अल्टरनेट में भी ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा कि जो भी यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है, स्टेटमेंट दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में, मेरे द्वारा ट्रू है, कंप्लीट है एंड करेक्ट है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इसमें गलत भरी हुई है, तो मेरे जो कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर मैं हायर होंगे तो मुझे एम्प्लॉयमेंट से डिसमिस किया जा सकता है इफ़ डिस्कवर्ड एट अ लेटर लेटर। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने, यहाँ पे कौन सी डेट को एंड कौन से प्लेस से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं ये आ जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो आपने सेंड करना है। यहाँ पे आपकी लास्ट डेट बता रही है कि 16 अप्रैल 2024 को आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, और जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी में ही सेंड करना है। एंड यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये एड्रेस है आपका, यहाँ पे जो भी आपके सेक्रेटरी का नेम रहेगा, यहाँ पे एचवी एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन हमीरपुर 17001, इस एड्रेस पे सेंड करना है, ऑफलाइन मोड से करना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है एक ही पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये जो पोस्ट है प्योरली जो आपकी इन्होंने बता रखी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।